प्यारे दोस्तों, क्रिकेट सर्जरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय टीम को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत को जीत के लिए चौथी पारी में 231 रन बनाने थे, लेकिन उसकी पूरी टीम 202 रनों पर ही सिमट गई। इंग्लैंड की जीत के हीरो डेब्यूटेंट खिलाड़ी टॉम हार्ले रहे, जिन्होंने भारत की दूसरी पारी में 7 विकेट हासिल किए। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से लीड ले ली है। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की दूसरी पारी की शुरुआत सधी रही। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़े। डेब्यू मैच खेल रहे टॉम हार्ले ने यशस्वी को आउट करके इंग्लैंड को पहली कामयाबी दिलाई। हार्ले ने भी शुभमन गिल, कप्तान रोहित शर्मा, अक्षर पटेल को आउट करके भारत की टेंशन बढ़ा दी। केएल राहुल को भी जोरू का शिकार बन गए। फिर रविंद्र जडेजा को ग्रेन स्टोक्स ने रन आउट कर दिया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वह लीच की फिरकी में फंस गए। 119 रनों पर 7 विकेट गिरने के बाद केएस भरत और आर अश्विन के बीच 57 रनों की साझेदारी हुई। एक समय ऐसा लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी मिलकर भारत को जीत के करीब ला देंगे, लेकिन एक बार फिर टॉम हार्ले ने दोनों को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद जसमीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मिलकर 25 रनों की साझेदारी करके एक बार फिर से मैच को रोमांचक बना दिया। लग रहा था कि 5वें दिन मैच जाएगा, लेकिन 4थे दिन के खेल के आखिरी ओवर में हार्ले ने सिराज को आउट करके अपनी टीम को जीत दिला दी। बता दें कि 4थे दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी 420 रनों पर सिमट गई। दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए ओपी पोप ने शानदार 196 रन बनाए। पोप ने 278 गेंदों का सामना किया, 21 चौके लगाए। पोप के अलावा बेन डकेट ने 47 रनों का योगदान दिया। भारत की ओर से जसमीत बुमराह ने सबसे ज़्यादा 4, आर अश्विन ने 3 विकेट लिए। इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 246 रनों का स्कोर खड़ा किया था। वहीं भारत ने अपनी पहली पारी में 436 रन बनाए थे। पहली पारी के आधार पर भारत को 190 रनों की बढ़त भी मिली थी। प्यारे दोस्तों, वहीं इंग्लैंड की दूसरी पारी की हम बात करें तो आर अश्विन ने सबसे पहले जैक क्रॉली को छलता किया, फिर दूसरा विकेट जसमीत बुमराह ने 113 रनों के स्कोर पर लिया, जिन्होंने बेन डकेट को 47 रनों पर क्लीन बोल्ड किया। इसके ठीक 4 रन के बाद यानी 117 के स्कोर पर जसमीत बुमराह ने जो रूट को 2 रन पर छलता किया। चौथा विकेट रविंद्र जडेजा ने जॉनी वेयरस्टो का लिया, जो क्लीन बोल्ड हो गए। फिर अश्विन ने बेन स्टोक्स को फोल्ड कर दिया। दोस्तों, 163 रनों पर 5 विकेट गिरने के बाद ओली पोप और बेन स्टोक्स ने मिलकर 112 रनों की साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड को मुकाबले में वापस लाकर खड़ा कर दिया। फॉक्स 81 गेंदों पर 34 रन बनाए। फॉक्स के आउट होने के बाद रेहान पोप ने इंग्लैंड को तीसरे दिन और कोई नुकसान नहीं होने दिया। तीसरे दिन स्टंप तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 316 रन बनाए थे। ओली पोप 148 और रेहान 16 रन बनाकर नाबाद लौटे। चौथे दिन भी इंग्लैंड ने अच्छी बल्लेबाजी की और 106 रन और जोड़े। दोस्तों, पहली पारी में भारत के लिए रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारियां खेली थी। जडेजा ने 180 रनों का सामना करते हुए सबसे ज़्यादा 87 रन बनाए थे, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं केएल राहुल 86 रनों की पारी खेली। राहुल ने इस दौरान 123 गेंदों का सामना किया था और 8 चौके के अलावा 2 छक्के भी लगाए थे। यशस्वी ने महज 74 गेंदों पर 80 रन बना डाले थे, इसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट हासिल किए थे, जबकि रेहान अहमद और टॉम हार्ले को 2-2 विकेट मिला हुआ था। दोस्तों, इस मैच में पहले दिन इंग्लैंड की टीम महज 246 रन ही बना पाई थी। इंग्लैंड की टीम ने बेसबॉल स्टाइल में बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। इंग्लैंड की टीम का पहला विकेट 55 रन पे गिर गया और पूरी टीम 246 रनों पर सिमट गई। अंग्रेज कप्तान बेन स्टोक ने अपनी टीम के लिए सर्वाधिक 70 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से अश्विन और रविंद्र जडेजा सबसे सफलतम गेंदबाज रहे। इन दोनों ने 3-3 विकेट हासिल किए। वहीं अक्षर पटेल और जसमीत बुमराह को 2-2 सफलताएं भी मिली। दोस्तों, अगर हमारे कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारे कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं।